अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, रोज़ मैं कहता है तुम ये आज इनको नहलाएंगे, आज इनको नहलाएंगे। तो चले दोस्तों, आज नहलाते हैं जिनको, नहलाई देते हैं तो वो देखते हैं जी कबूतर कैसे लड़ाइयाँ ले रहे हैं। तो आज मैं इनको नहलाता हूँ जी, मैं लेके आया हूँ पानी इनके लिए काफ़ी सारा। तो आज पहले पानी डालेंगे फिर इनको बाहर छोड़ेंगे। तो ये देखें जी, हमारा कबूतर ढीला हो गया। कोई नहीं, अक्सर इनमें इस तरह का मसला था जी कि नहाए वगैरह अगर ये नहीं नहाते तो ये ढीले होने शुरू हो जाते, बीमारी में आ जाते हैं। तो नहाएंगे जी, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम जाएंगे चलते हैं बाहर। बाहर जाके पहले पानी डालते हैं तो फिर ज़रा इनको बाहर छोड़ेंगे। दोस्तों चलते हैं हम बाहर, बाहर चल के फिर कबूतरों को पानी डाल के इस परात में, तो फिर बाहर आके फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों जी, पानी मैंने डाल दिया, तो अब खोल दें जी केज का दरवाज़ा और सब कबूतर भाग जाएंगे नहाने के लिए। चलो चलो चलो, आओ 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 आओ। ये देखें जी, आगे सब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, सीधे ही पानी में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इनको पानी नहीं डाला तो नहाने के लिए, तो जिस वजह से पागल हुए पड़े हैं और ये तो पी जा रहे हैं पानी। अब ये नहा भी लेंगे, एक नहाएगा सब उसके पीछे पीछे नहाएंगे। ले जी सब कुछ, ये लेना नहीं कुछ ले। काफ़ी दिनों को ये नहाए नहीं, तो अंदर बाकी जो और भी हैं उनको भी निकालते हैं बाहर ताकि वो भी अपना नहा सके आराम से। चलो 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 चलो, तो नहीं दोस्तों निकाल लूँ जी मैं सबको बाहर आहिस्ता आहिस्ता। तो चलो 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 चलो, एक बच्चा ये भी रह गया था हमारा। तो माशाल्लाह जी सबको निकाल दिया, टोटली सबको निकाल दिया जी मैंने बाहर। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कैसे ही नहा रहे हैं। मैंने कहा जी आज नहला ही, काफ़ी दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ आज नहलाएंगे जी, अब नहलाएंगे जी। तो आज इनको नहला ही देते हैं, तो मैंने कहा चलें जी सब इनको नहला दिया। तो ये नहाए अपनी मर्ज़ी से, देखिए सब कैसे अंदर घुस गए नहाने के लिए। कई अपनी मादा को तम भगाई जा रहे हैं कई कबूतर, और कई नहाने में लगे। तो चले दोस्तों, बाजरा मैं लेके आया था आज फिर, तो इसको डब्बे में डालते हैं। डब्बे में डाल के ना फिर मैं ज़रा वीडियो को ना कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं जी कबूतर हमारे माशाल्लाह नहा रहे हैं मज़े से। तो देख सकते हैं जी बाजरा भी मैंने डब्बों में माशाल्लाह अपने डाल लिया। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खुश एक्टिव हेल्दी हो गए हैं नहा के। और अब इस तरह ही मैं इनको पिंजरे में दाना डाल के बंद कर दूँगा ताकि अंदर जाके ईजीली अपना खाए पिए और सुकून फील करें। तो देख सकते हैं जी सब हमारे कबूतर माशाल्लाह बेबी पिजन तक नहा रहे हैं, सबको नहाने की पड़ी थी, नहाए हैं सब। तो कई ज़मीन पर पानी की वजह देख के ही नहाना शुरू कर रहे हैं। तो चले दोस्तों अब मैं जाता हूँ जी, क्योंकि ये जो पानी था मैं इनके नहाने के लिए लाया था, और अब मैं इनके लिए लेके आता हूँ जी दोनों भर के, दोबारा से बोतलें खाली हो गई हैं, दोबारा भर के लेके आते हैं जी इनके लिए पानी की। तो फिर मैं लेके आता हूँ, तो फिर ज़रा मैं वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इनको पानी पूनी डाल के बाजार डालते हैं। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ जी पानी, और अब देखें दोस्तों हमारा क्यूट सा छोटा सा बेबी पिजन नहा रहा है, जो वो ये जो ब्लैक सा कबूतर अंदर घूम रहा है उसका बच्चा है। तो माशाल्लाह जी देख सकते हैं आप कैसे वो नहा रहा है, सब ने नहा लिया। अभी इधर उधर बैठ के अपने आप को सुखाएंगे जी, तो सुखाने देते हैं जी। चलें दोस्तों, देखें पानी का हाल क्या हो गया, वाइट सा पानी था, ग्रीन हो गया, गंदगी इतनी ही, तो गंदे मंदे हुए थे साफ़ हो जाएंगे माशाल्लाह। तो चलें दोस्तों बिना टाइम जाए कि अब मैं चलता हूँ अंदर पानी निकाल के दूंगा, पहले पानी बदलते हैं तो फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों कबूतर हमारे नहा चुके हैं जी, अब कुछ रह गए वो नहा लेंगे खुद ही। तो ये देखें जी कहाँ का अपनी मर्जी मर्जी से बैठ रहे हैं सब। तो दोस्तों मैंने पानी अंदर डाल दिया अपने कबूतरों को, तो अब बाजरा डालते हैं और फिर इनको अंदर छोड़ देते हैं जी। तो दोस्तों माशाल्लाह हमारे बेबी पिजन जो हैं वो आराम से इधर घूम फिर रहे हैं, पर अपने ऐसे फड़फड़ कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं जी ये भी माशाल्लाह, देख सकते हैं जी। तो चले दोस्तों अब मैं डालता हूँ इसके अंदर दाना, तो दाना डालते हैं। तो पहले तो दरवाज़ा बंद कर लेता कि कबूतर ही ना आ जाए अंदर, तो ये बेचारा ही ना आ सका। कोई नहीं जी, फिर किसी दिन ये भी ना लेगा। तो चले दोस्तों बाजरा डालते हैं फिर हम इसके अंदर। तो आज मैं बाजरा इनका बदल के लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना वो बाजरा सही नहीं था आ रहा, तो मैंने कहा आज इनको महंगे वाले थोड़ा डाल देते हैं। तो दोस्तों ये इनका फेवरेट भी है, महंगा भी है, तो कोई नहीं जी, तो होर डालते हैं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह हमने डाल दिया जी दाना इनको। अब इनका केज का दरवाज़ा खोल के सब को अंदर करना है ताकि ये अंदर आके इजीली अपना दाना उठा सकें। तो दोस्तों ये डब्बा हम रख देते हैं साइड पर,
और चलते हैं बाहर, फिर लेके आते हैं। माशाल्लाह देखें दोस्तों, अपने माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के नहाने के लिए बाहर चले गए हैं, इतनी उनको गर्मी लग रही थी। तो चलें दोस्तों बिना टाइम जाए कि चलते हैं बाहर और इनको लेके आते हैं कबूतर को अंदर। तो फिर मैं ज़रा वीडियो को करना कंटिन्यू करता हूँ। चलो 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 दोस्तों इनको बंदर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब जाएंगे। चलो 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 ये बंदर देखेंगे दाना तो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाना शुरू कर देंगे। चलो 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 अंदर चलो 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 कोई कबूतर ना आके दोबारा नहाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा नहाएं। चलो 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 ये सबको तो अंदर किया, अब यहाँ से बेबीज को करते हैं, बेबी जिनको। चलो 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 वो डव का तो मैंने दोस्तों कपड़ा ही नहीं उठाया आज, बहुत गर्मी पड़ रही है। चलो 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 तो ये इस तरह तंग आ रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे, तो मैं अंदर करके फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों सबको अंदर कर दिया, एक बाहर छोड़ा जिसको मैंने खुद दाना देना जी। तो ये देखें जी, यहाँ पर इसको मैंने बंद किया, तो ये फिर भी कैल्शियम पाउडर खाना इसने शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मैंने स्टिक रखी है, ये इसके ऊपर रख दूंगा ताकि ये भी ना खाएं, अभी फिलहाल तो दाना खा लें। तंग करना जिन्होंने शुरू किया है, ये मिल गई स्टिक। चलो चलो हटो, अब नहीं ये खाएगी जी, ये दाना खाएगी। तो माशाल्लाह हमारे कबूतर वो देखे दोस्तों, ये लगता है हमारी कबूतरी ना ये अंडा उतारने लगी है। तो अगर ये देगी तो दोबारा आपके साथ शेयर करेंगी ज़रूर इंशाल्लाह। तो दोस्तों माशाल्लाह हमारे कबूतर अंदर आ चुके हैं। तो चले दोस्तों वीडियो को करते हैं एंड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।